जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी को बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने कंपनी को उसके मुलुंड प्लांट में बनने वाली बेबी पाउडर को बेचने का परमिशन दे दिया है। गौरतलब है महाराष्ट्र सरकार ने जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस को कैंसिल कर दिया था, जिसके बाद कंपनी ने बॉम्बे हाई कोर्ट में फैसले को चुनौती दी थी, जिस पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट की क्वालिटी और सेफ्टी स्टैंडर्ड को बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन किसी एक प्रोडक्ट में मामूली कमी होने पर पूरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को बंद करना उचित नहीं है। गौरतलब है सितंबर 2022 में जॉनसन एंड जॉनसन के मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस को महाराष्ट्र सरकार ने कैंसिल कर दिया था। कंपनी जब कोर्ट पहुंची तो नवंबर 2022 में हाईकोर्ट ने पाउडर के सैंपल जांच के फिर से आदेश दिए। कंपनी ने अपनी याचिका में कहा फरवरी, मार्च और सितंबर 2022 के 14 रैंडम बैचों का एक इंडिपेंडेंट टेस्टिंग लेबोरेटरी ने टेस्ट किया था। जांच में सभी निर्धारित पीएच मानक के भीतर ठीक पाए गए। कंपनी पिछले 57 साल से मुलुंड में बेबी पाउडर बना रही है। जॉनसन एंड जॉनसन का लाइसेंस जनवरी 2020 में रिन्यू किया गया था। लाइसेंस रद्द होने की वजह से कंपनी को रोजाना 2.5 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला कंपनी के लिए राहत भरा है। पिछले दिनों जॉनसन एंड जॉनसन ने कहा था कि वह 2023 तक पूरी दुनिया में अपने बेबी टेलकम पाउडर को बेचना बंद कर देगी। कंपनी का टेलकम पाउडर अमेरिका और कनाडा में 2020 में ही बंद हो चुका है। दरअसल टेलकम से कैंसर के खतरे के आरोप लगते रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।